हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, एज यू नो वन प्लस 12 स्मार्टफोन चाइनीज़ मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। एंड अगर आप भी वन प्लस 12 स्मार्टफोन का इंडिया पे वेट कर रहे हो और आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि वन प्लस 12 स्मार्टफोन इंडिया पे कब लॉन्च होगा एंड स्मार्टफोन की प्राइस क्या देखने को मिलेगी, तो ये वीडियो आपके सभी डाउट्स क्लियर कर देगा। और अगर आपको वन प्लस 12 स्मार्टफोन का वन प्लस 11 से कंपेरिजन वीडियो भी देखना है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। सो वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो डेली ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस पाते रहने के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, बिल्ड क्वालिटी डिजाइन वगैरह के बारे में बात करें तो वन प्लस 12 स्मार्टफोन का डिजाइन पहले से काफी इंप्रूव हो चुका है और आप इसे यहां पर नोटिस कर सकते हो। इवन फ्रेंड्स, ये स्मार्टफोन फ्रंट और बैक दोनों साइड पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की फ्लेक्सी प्रोटेक्शन के साथ आता है और यहां पर फ्रेंड्स आपको इस बार मेटल एल्यूमिनियम फ्रेम भी देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली यहां पर आपको बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड देखने को मिलेगी और स्मार्टफोन का इन हैंड फील काफी जबरदस्त होने वाला है। एंड अब दोस्तों, स्मार्टफोन के डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो यहां पर हमें काफी बड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है और वन प्लस 12 स्मार्टफोन में इस बार 6.82 इंचेस का एक कर्व्ड ओलेड पैनल दिया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर आपको 2K रेजोल्यूशन के साथ 10-bit कलर्स, HDR 10+, डॉल्बी विजन, BOE का X1 प्रो XTR ओलेड पैनल देखने को मिलेगा, जो कि फ्रेंड्स ग्रेट क्वालिटी लेकर आता है बिकॉज यहां पर डिस्प्ले मेट A+ रेटिंग भी देखने को मिलती है और स्मार्टफोन में इंडिपेंडेंट डिस्प्ले चिप भी दी गई है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको डेफिनेटली कलर्स वगैरह काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको LTPO 3.0 टेक्नोलॉजी के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट भी काफ़ी स्मूथ मिलेगी और स्मार्टफोन में 1600 नीट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस दी गई है और आपको पीक ब्राइटनेस 4500 नीट्स की देखने को मिलेगी, जो कि फ्रेंड्स क्रेजी नंबर्स रहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डिस्प्ले डेफिनेटली काफ़ी एडवांस मिलेगी। सेकेंड दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर रहता है और ये 4nm फैब्रिकेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको बैटरी रेंज काफ़ी कम देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, बेंचमार्क स्कोर की भी बात करें तो इस चिपसेट के बेंचमार्क स्कोर हमें 2.3 मिलियन तक देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डेफिनेटली परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी और वन प्लस 12 स्मार्टफोन में आपको एड्रेनो 750 पावरफुल GPU भी देखने को मिलेगा, तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपको टॉप नॉच मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर LPDDR5X रैम के साथ UFS 4.0 लेटेस्ट स्टोरेज देखने को मिलने वाली है और वन प्लस 12 स्मार्टफोन इंडिया पे आपको इस बार 12GB रैम 256GB बेस वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा। और यह स्मार्टफोन गाइज आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर आता है, जहां पर आपको ऑक्सीजनोस 14 का सपोर्ट मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स गाइज, स्मार्टफोन में आपको 4+5 ईयर की अपडेट पॉलिसी देखने को मिलेगी। और स्मार्टफोन के कैमरा डिपार्टमेंट में काफी इंप्रूवमेंट किया गया है, बट इस बार फ्रेंड्स आपको स्मार्टफोन में 50MP का LYT808 मेन सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि OIS के साथ आता है। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर कैमरा क्वालिटी डेफिनेटली काफी इंप्रूव देखने को मिलती है। बाकी यहां पर 48MP का IMX581 अल्ट्रावाइड सेंसर आता है और इस बार 64MP का ओमनीविजन पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जहां पर फ्रेंड्स आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और इसमें 3x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट आने वाला है। और स्मार्टफोन में फ्रेंड्स इस बार आपको 120x पेरिस्कोप जूम का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। और स्मार्टफोन के रियर कैमरा से आप 8K 30fps तक मैक्स वीडियो शूट कर पाओगे। यहीं पे अगर फ्रंट साइड सेल्फी की बात करें तो स्मार्टफोन में इस बार 32MP का सेंटर पंचोल सेल्फी कैमरा दिया गया है और यहां पर फ्रेंड्स आपको सोनी IMX615 सेल्फी सेंसर देखने को मिलेगा। और बढ़िया बात यह है कि स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से इस बार आप 4K 30fps तक मैक्स वीडियो शूट कर पाओगे। लास्ट में बात करें स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ और चार्जिंग कैपेसिटी की, तो वन प्लस 12 स्मार्टफोन में इस बार 5400mAh की मैसिव बैटरी का सपोर्ट दिया गया है और यहां पर फ्रेंड्स आपको बैटरी बैकअप काफी सेन देखने को मिल जाएगा। साथ में स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए 100 वोट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जहां पर USB 3.2 टाइप सी पोर्ट दिया गया है, जो कि लेटेस्ट रहता है और यहां पर आपको चार्जिंग स्पीड भी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। एंड ऑफ कोर्स गाइस, स्मार्टफोन में इस बार 50 वोट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और 10 वोट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। बाकी कुछ अदर डिटेल्स के बारे में बात करें तो वन प्लस 12 स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, जहां पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है और बोलने
हैं कि स्मार्टफोन में इस बार काफ़ी इम्प्रूव्ड स्पीकर्स यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर आईआर ब्लास्टर बायनिक वाइब्रेशन मोटर दी गई है एएससी टेक्नोलॉजी के साथ, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको ओ हैप्टिक्स भी देखने को मिलेंगे। और इसके हैप्टिक्स गाइस वन प्लस 11 स्मार्टफोन से भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हैप्टिक एक्सपीरियंस काफ़ी सॉलिड देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर फ्रेंड्स अलर्ट स्लाइडर भी दिया गया है और IP65 रेटिंग देखने को मिलती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस स्मार्टफोन में इस बार रेन टच टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर रहता है। बाकी यहाँ पर NFC वाइडबैंड L1 का सपोर्ट दिया गया है, कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 7 ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट भी मिलता है। एंड फाइनली दोस्तों लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो OnePlus 12 स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में आपको 23 जनवरी को देखने को मिलेगा, और ये गाइस ऑफिशियली भी OnePlus ने कंफर्म कर दिया है। वैसे चाइना पे इस बार OnePlus 12 स्मार्टफोन 50,000 रुपीज़ का लॉन्च हुआ था, तो इंडिया पे स्मार्टफोन को इस बार फ्रेंड्स आप 60,000 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि फ्रेंड्स आई थिंक 59,999 या फिर 61,999 रुपीज़ से स्टार्ट हो सकता है। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और डेली ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।